कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को आतंकी घोषित किया था। बता दें कि पुलिस ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें आतंकी हरदीप निज्जर का भी नाम शामिल था। जानकारी के मुताबिक हरदीप निज्जर को कनाडा में गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सिख संगठन यानी सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियां कनाडा की जांच एजेंसियों से इस वारदात के बारे में जानकारी जुटा रही है। आखिर भारतीय एजेंसियों के लिए क्यों खास था खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को पकड़ना? हरदीप सिंह पिछले कई सालों से कनाडा में ही रहता था और वहां से ही वो भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। इतना ही नहीं बल्कि निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले एक साल में इसलिए और भी ज्यादा से दर्द बन गया था क्योंकि उसने लॉरेंस के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। हालांकि निज्जर के दो सहयोगियों को पुलिस ने फिलीपींस और मलेशिया से कुछ महीने पहले ही गिरफ्तार किया था। इससे पहले साल 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। NIA के मुताबिक पुजारी की हत्या की साजिश खालिस्तानी टाइगर फोर्स ने रची थी। कनाडा में रहने वाला निज्जर इस फोर्स का प्रमुख था। NIA के FIR में भी निज्जर का नाम भारत में जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर खालिस्तानी संगठन यानी सिख फॉर जस्टिस के आतंकियों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में NIA ने भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की थी। इस FIR के मुताबिक भारत सरकार के खिलाफ जमीनी अभियानों और दुष्प्रचार के लिए भारी मात्रा में धन जमा किया गया था, जिसका मकसद लोगों को विदेश में भारतीय दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाना शामिल था। इसमें तीन आतंकवादी गुरपतवंत सिंह, परमजीत सिंह और हरदीप सिंह निज्जर के नाम शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम ब्रांच।